संत गाडगे साहब थे, उनके पास एक बकरी थी। तो जहां वो अपना रहते थे, जिस झोपड़ी में, वहीं बकरी बंधी रहती थी गाडगे साहब की। उसके सामने एक मंदिर था, एक मस्जिद थी। तो कभी कभी बकरी मंदिर में घुस जाती थी, कभी कभी मस्जिद में घुस जाती थी। तो मस्जिद से एक मुस्लिम निकल करके आया, कभी मौलवी, और मंदिर से निकल करके आया कौन? कुछ लोगों ने पंडित भी कहा, पंडा पुजारी निकल करके आया, पंडित है, ब्राह्मण। तो जब आप लोगों ने उसको ब्राह्मण कह दिया है, तो यही तो मैं भी कहता हूं कि वो धर्म हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। आप ही लोगों ने समझाया मुझे, ये तो आप ही लोगों ने बताया हमको। एक तरफ से जब निकलता है तो मौलवी और मुस्लिम निकलता है, दूसरी तरफ से ब्राह्मण निकलता है। तो इसका मतलब कि वो धर्म हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों की सुख सुविधाओं के ख्याल के लिए बनाया गया है। तो चलिए खैर, निकला बाहर। तो उसने कहा, गाडगे बाबा ये अपनी बकरी संभाल के रखो, कभी हमारे मंदिर में घुस जाती है, कभी मस्जिद में घुस जाती है। तो गाडगे बाबा बोले, जानवर है इसलिए घुस जाती है, मैं कभी घुसा हूं तो बताओ। अगर बदलते दौर में, हमने कहा ना कि हम लोगों को चेंज होना पड़ेगा, तो हम लोगों को यह चेंज होना पड़ेगा कि अब अपनी डिमांड्स बदल दो। कह दो कि भैया मूर्ति नहीं चाहिए, कह दो कि माला नहीं चाहिए, स्कूल का नाम नहीं चाहिए, जिले का नाम नहीं चाहिए। कह दो कि भैया श्रावस्ती का नाम तुम्हें बदलना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। नौकरी हमें दे दो, हमारा हिस्सा हमें दे दो, भागीदारी दे दो। ये डिमांड्स हमें चेंज करनी पड़ेंगी, डिमांड्स को परिवर्तित कर दीजिए। नहीं चाहिए मूर्ति, लगा लो तुम्हें जिसकी लगानी हो। सोचिए अगर मूर्ति से भला हो रहा होता तो बाबा साहब की मूर्तियां ज्यादा हैं या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की? अगर कहा जाता है कि इस देश में ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, कहते हैं ना लोग, तो ये मान लीजिए कि जो मैं कह रहा हूं वो ईश्वर की मर्जी से कह रहा हूं। उसकी मर्जी है कि मैं लोगों को जाकर के ये बताऊं कि उसके और उसके भक्त के बीच में एक बिचौलिया है जो कमीशन खा रहा है। ये वो उसने कहा था हमसे सपने में कि ऐसा बताना है, सबको तो मैं बता रहा हूं। उसने कहा था कि बताना है कि इस बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसने कहा था कि ये बताना है कि इस बिचौलियों की जेब में एक रुपए भी अपनी मेहनत का खर्च नहीं करना है। गांठ बांध लीजिए। इस देश में समझने की बात यह है कि मतलब एक होता है कि छुपा कर जातिवाद करना, कि छुपा कर आप कोई कृत्य कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका इतनी बड़ी जातिवादी है, इतनी बेशर्म है कि वो सारे काम खुलेआम करती है। उस न्यायपालिका ने जिसने सवर्णों को 10% आरक्षण देते समय सरकार से ये नहीं पूछा कि डाटा कहाँ है, किस बेस पर ये 10% आरक्षण दे रहे हो, कौन सा सर्वे तुमने करवाया है। वही सरकार के पास जब मध्य प्रदेश से एक महिला ये याचिका लेकर के जाती है कि हाई कोर्ट ने जो ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में स्टे लगाया हुआ है उस स्टे को हटा दीजिए, उसके चक्कर में हजारों नौकरियां फंसी हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जातिवादी चरित्र सामने आता है। और वो ना सिर्फ याचिका को खारिज करती है बल्कि कहती है कि अगर इस तरह का मामला दोबारा लेकर के तुम हमारे पास आए, याचिका कर्ता से कहती है, तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगा देंगे। मतलब ये निर्लज्जता की हद है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने लायक आप लोगों ने समझा, और भीड़ की कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग हैं वो समाज को परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए वो प्लस माइनस हो जाता है। महत्वपूर्ण होता है नियत। अगर आयोजकों की नियत अच्छी है और काम करने का जज्बा है तो कम लोग ही हों तो भी परिवर्तन हो जाता है। अगर भीड़ की बात करें तो आसाराम बापू जेल से निकलने के बाद भी बहुत भीड़ जुटा लेता है, राम रहीम भी बहुत भीड़ जुटा लेते हैं, और इस समय देश का सबसे बड़ा प्रधान मदारी भी बहुत भीड़ जुटा लेता है।
इसलिए भीड़ की चिंता नहीं है, बस यह है कि जितने लोग हैं उतने लोगों में बदलाव के लिए कितने लोग तैयार हैं। दिक्कत यह है कि जो लोग यहां बदलाव की बात करते हैं वो बदलाव सब उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बदल जाए। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हमारे विधायक ठीक नहीं, हमारे सांसद ठीक नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि ठीक नहीं है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ठीक नहीं है। मैं बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूं तो अपने छोटे मोटे अनुभव के आधार पर ज़्यादातर लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि हम खुद की तरफ उंगली करके खुद से पूछें कि हम कितना बदलने के लिए तैयार हैं। और अगर यहां मौजूद जितने शख्स बचे हैं इतने लोगों में अगर 50% भी बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो 100,000 वाली जनसभा का काम यहां हो जाएगा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी जनसभाएं की जाती हैं उन जनसभाओं में 10 लोग भी अगर बदलने को तैयार नहीं होते हैं तो उस भीड़ का कोई औचित्य नहीं होता है। हम लोग वोट और नोट के लिए तो यहां आए नहीं हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि जितनी भी महिलाएं हैं यहां पर और जितने भी मेरे बुजुर्ग या मेरे समकक्ष या मेरे बड़े भाई यहां पर बैठे हुए हैं, हम लोग मिलजुल करके सामाजिक परिवर्तन की दिशा में क्या काम कर पाएंगे। विषय न्यायपालिका में बहुजन की अगर संख्या बढ़ेगी तो उसकी स्थिति सुधरेगी। इस विषय पर कम बोलूँगा क्योंकि महिलाएं भी हैं तो मैं ये सोचूंगा कि उनके हिसाब से अपनी बात रखी जाए, लेकिन फिर भी उस विषय को थोड़ा टच किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल में ही EWS का एक निर्णय आया जिसको सुदामा कोटा कहा जाता है, जिसको सवर्ण कोटा कहा जाता है, जिसको जनेऊ कोटा कहा जाता है, जिसको सवर्ण आरक्षण कहा जाता है, सुदामा कोटा बोला मैंने। तो उस EWS का निर्णय देने में जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी न्यायपालिका ने अपने जाति, वंश, परिवार के लोगों का ध्यान रखा कि इनके हित में निर्णय देना है। संवैधानिक प्रावधान का, संविधान की प्रस्तावना का, संविधान के मूल स्वरूप का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने ध्यान रखा कि हम अपने परिवार के लोगों का, अपने जाति के लोगों का, अपने वंश के लोगों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने EWS का आरक्षण लागू कर दिया। इस देश में समझने की बात यह है कि मतलब एक होता है कि छुपाकर जातिवाद करना, कि छुपाकर आप कोई कृत्य कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका इतनी बड़ी जातिवादी है, इतनी बेशर्म है कि वो सारे काम खुलेआम करती है। उस न्यायपालिका ने जिसने सवर्णों को 10% आरक्षण देते समय सरकार से ये नहीं पूछा कि डाटा कहाँ है, किस बेस पर ये 10% आरक्षण दे रहे हो, कौन सा सर्वे तुमने करवाया है। वही सरकार के पास जब मध्य प्रदेश से एक महिला ये याचिका लेकर के जाती है कि हाई कोर्ट ने जो OBC आरक्षण पर मध्य प्रदेश में स्टे लगाया हुआ है उस स्टे को हटा दीजिए, उसके चक्कर में हजारों नौकरियां फंसी हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जातिवादी चरित्र सामने आता है। और वो ना सिर्फ याचिका को खारिज करती है बल्कि कहती है कि अगर इस तरह का मामला दोबारा लेकर के तुम हमारे पास आए, याचिका कर्ता से कहती है, तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगा देंगे। मतलब ये निर्लज्जता की हद है, बेशर्मी की हद है। लेकिन मैं इस बात को लेकर के बड़ा आश्वस्त रहता हूं, बड़ा सकारात्मक रहता हूं कि अब इन धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स पर सवाल उठने लगे हैं। इनकी जो पवित्रता थी, तथाकथित पवित्रता, कि इतने पवित्र लोग हैं कि इन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, उस पर अब श्रावस्ती जैसी जगह में बामसेफ के कार्यक्रम में सवाल उठ रहे हैं। विषय डाला गया है कि न्यायपालिका का जातिवाद, ये पॉजिटिव साइन है। और इस सकारात्मकता के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपनी बातों को माउथ पब्लिसिटी कर करके, भोंपू बन करके जगह जगह फैला सकते हैं। जैसे हम जितने लोग यहां हैं हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम बाहर निकले यहां से और भोंपू की तरह, रट्टू तोते की तरह रटना शुरू हो जाएं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में जातिवाद है, न्यायिक सेवा आयोग बनाओ। अगर योग्यता की बात करते हैं ये लोग, और योग्यता की बात करने वाले योग्यता से कितना डरते हैं, अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है
तो जैसे आईएएस आईपीएस पीसीएस की परीक्षा होती है, यहां जितने लोग बैठे हैं उनके कुछ लोगों के बच्चे टीचर भी होंगे या खुद भी टीचर होंगे, मतलब देश में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जहां जाने के लिए आपको परीक्षा पास न करनी पड़ती हो। लेकिन धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स, जिनके निर्णय के ऊपर कोई नहीं है, उनकी नियुक्ति के लिए कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। आप जब किसी, मैंने एक अपने एक वीडियो में बोला भी था कि जब किसी जज के घर में बच्चा पैदा होता है, न्यायमूर्ति के घर में, तो नर्स बधाई देती है कि बधाई हो आपके घर में जस्टिस पैदा हुआ है। जैसे अन्य लोगों के घरों में बधाई दी जाती है कि बच्चा पैदा हुआ है, बच्ची पैदा हुई है, वहां यही बधाई दी जाती है कि आपके घर में जस्टिस पैदा हो गया है। क्योंकि जितने भी चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस के पिता भी जस्टिस थे, इससे पहले के चीफ जस्टिस के पिता भी जस्टिस थे, मतलब एक परंपरा चली आ रही है कि जस्टिस के बच्चे ही जस्टिस बनेंगे। और कितना अन्यायपूर्ण सिस्टम है कि कोई परीक्षा नहीं, किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, कोलोजियम सिस्टम बनता है और अपने बीच में से ही अपने बच्चे बच्चियों को जज बना लिया जाता है। तो हमें, हम आपको इनका विरोध करना चाहिए कि नहीं? तो अपने अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। अब जैसे गांव के ये व्यक्ति बैठे हैं, अब ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, हम सक्षम आदमी नहीं है, यही सोच गलत है। यहां बैठा हुआ हर शख्स सक्षम है, क्योंकि आपके अंदर सामाजिक चेतना है, तभी तो आप यहां आए हैं। तो अगर सामाजिक चेतना है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मुंह चला सकते हैं और अपने वक्ता, अपने प्रवक्ता खुद बन सकते हैं। आप उनके मुद्दों की बजाय, जैसे कई लोगों के अंदर ये भ्रम होता है कि हम अगर जुडिशरी के बारे में बहुत ज्यादा बोलेंगे तो वो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, अगर हम धर्म के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलेंगे तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो एक अनुरोध है आप लोगों से, आप ये मत बोलिए कि सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है, आप सिर्फ इतना ही कहिए कि सावित्रीबाई फूले ज्ञान की देवी है। आपको क्या जरूरत है दूसरे को कंट्राडिक्ट करने की? आप ये कतई मत कहिए कि फलाना जज जातिवादी है, आप कहिए कि न्यायिक सेवा आयोग का गठन करो, परीक्षा करवा लो, उसमें तय कर लेंगे किसकी योग्यता ज्यादा है किसकी कम है। आप ये मत कहो कि तुम सारा हिस्सा खाए जा रहे हो, बस इतना कहो कि जातिवार जनगणना करवा लो और उससे तय हो जाएगा कि श्रावस्ती जिले में जिन लोगों को गलतफहमी है कि हम यहां के लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, उनकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि जेसीबी मशीन किसकी चल रही है, पोकलैंड किसके चल रहे हैं, संसाधनों पर कब्जा किसका है, जुडिशरी में किस समाज के लोग ज्यादा हैं, पत्रकारिता में किस समाज के लोग ज्यादा हैं, आईएएस पीसीएस किस समाज के लोग ज्यादा हैं, वकील किस समाज के ज्यादा हैं, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए जब जातिवार जनगणना की बात होती है तो उसका मतलब केवल ओबीसी को गिनना नहीं होता है, उसका मतलब केवल एससी को गिनना नहीं होता है, उसका मतलब केवल माइनॉरिटी का गिनना नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि देश के मुट्ठी भर लोग जो ज्यादा संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं उनको भी गिनो। और ये पता करो कि ये जो कहानी में चला आ रहा है, एक गरीब ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण अब गरीब रह गया है या नहीं, या कहानी में ही सिमट कर रह गया है उस कहानी। अच्छा, एक बात और है, मैं उन धरती के मिलॉर्ड से कहना चाहता हूं कि मुझे किसी भी गरीब से सहानुभूति है, किसी भी गरीब से, लेकिन अगर तुम गरीब हो तो तुम हमारे भाइयों की तरह नाली साफ करो, पैसा मिलेगा, तुम हमारे भाइयों की तरह सड़कों पर झाड़ू लगाओ, पैसा मिलेगा, तुम हमारे भाइयों की तरह मनरेगा में जॉब कार्ड बनवाओ, खेतों में मिट्टी ढो, पैसा मिलेगा, मैला ढो, पैसा मिलेगा, ये काम बिना किए हुए तुम ऐसे कैसे गरीब हो? तुम हमारे वाले गरीबी का पैमाना तो दिखाओ। और हमने मान लिया तुम गरीब हो, तो एक अंतर समझिए, अगर ओबीसी एससी या माइनॉरिटी वर्ग का कोई व्यक्ति गरीब है तो वो जाति के सिस्टम की वजह से गरीब है, जाति का जो भ्रम जाल बना हुआ है, जाति का जो सिस्टम बना हुआ है, उसकी वजह से गरीब है। और अगर कोई ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति गरीब है तो वो सरकारी सिस्टम की वजह से गरीब है, उसको जाति का ये नहीं झेलना पड़ रहा। अगर चौकीदार भी है किसी एक तथाकथित उच्च जाति से तो उसको भी आप गाली देकर के संबोधित नहीं करोगे, आप भी कहोगे पंडित जी चाय पिला दो। तो इसका मतलब उसको अपमान नहीं झेलना पड़ा जो हमारे लोगों को झेलना पड़ा, फिर भी हमने मान लिया कि तुम गरीब हो। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो है नहीं आरक्षण, आरक्षण हिस्सेदारी, बराबरी
और एक दूसरे के सम्मान के लिए दिया गया था, ताकि स्टेटस बराबर होगा तो सम्मान में बराबर आ जाएंगे लोग। वो गरीबी दूर करने का साधन नहीं था, गरीबी दूर करने के लिए तमाम सारे चीजें हैं। तो हमने मान लिया कि चलिए गरीबी दूर करनी है, तो इस देश के मंदिरों में पुजारी कौन है? ओबीसी एससी के लोग हैं कि माइनॉरिटी लोग? पुजारी तुम्हारे ही भाई बंधु हैं, तो जब तुम्हारे ही भाई बंधु हैं, आप ही ने कहा कि ब्राह्मण हैं, कुछ एक अन्य जातियों के भी हो जाएंगे, तो भाई देश के संसाधनों पर, देश के मंदिरों पर तुम्हारे ही भाई बंधु पुजारी बनकर के बैठे हैं। और एक सर्वे कहता है कि तमाम देश के मंदिरों में जो पैसा जमा है, इकट्ठा है, अगर उसको उसका सरकारीकरण कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं, उनको सवर्ण गरीबों की चिंता है, और जिन जिन भी पार्टियों को सवर्ण गरीबों की चिंता है उन सब से अनुरोध करता हूं कि सरकार से कहिए कि उनके भाई बंधु जो पुजारी और पुरोहित बने बैठे हैं, पंडे पुजारी बने बैठे, उनके मंदिरों में जो माल है उसको निकालो और इन गरीबों में बांट दो। हमें कहां तकलीफ है? तुम्हारे ही भाई पैसा दबाए बैठे हैं तो उनसे तो निकलवाओ और अपनी गरीबी दूर कर लो, हमने तो तुम्हारा पैसा दबाया नहीं, तो ये समाधान हो जाएगा ना उनकी गरीबी का। अपने लोगों से जो तुम्हारे ही लोग मंदिरों में कब्जा जमाए हैं, लाखों करोड़ों रुपए का चंदा आता है, तुम किसी और को नहीं देना चाहते, अपनी जाति वाले को दे दे दो, इतना जाति बात तो कर लो कि कम से कम निकाल के अपने गरीबों को दे दें। लेकिन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल में वो जातिवाद भी नहीं है, वो स्वार्थवाद है। वहां भी ये ध्यान रखा जा रहा है कि कुछ खास परिवारों का भला हो जाए, बाकी जो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, वो सड़ गल जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर गरीबी दूर करने के तमाम अन्य उपाय भी हो सकते हैं, तो गरीबी दूर करने के लिए केवल आरक्षण देने की क्या जरूरत थी? और मैं सवर्ण भाइयों से अनुरोध करता हूं इस बामसेफ के मंच से कि अगर देश में तमाम संसाधनों का निजीकरण हो रहा है तो लड़ कौन रहा है? हम। बता दो कभी सवर्ण संगठन ने लड़ाई लड़ी हो, हिंदू महासभा ने लड़ाई लड़ी हो निजीकरण के खिलाफ? जितने भी संगठन हैं, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के संगठन हैं जो निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे बहुजन समाज के संगठन हैं, एक भी हिंदू महासभा बता दो जिसने बयान दिया हो कि संविधान बचाना है। तो मेरा उन सवर्ण भाइयों से अनुरोध है कि देश को बचाने की लड़ाई लड़े हम, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़े हम, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़े हम, सरकारी सिस्टम को, सरकारी नौकरियों को बचाने की लड़ाई लड़े हम, और 10% आरक्षण लोगे तुम? हमारे साथ आओ, कंधे से कंधा मिलाओ और सड़कों पर आंदोलन करो कि जो पीएसयूज का निजीकरण किया जा रहा है, रेल घेल वेल सेल सब बेचा जा रहा है। अब महिलाएं सोचेंगी हमसे क्या मतलब है सब कुछ बिकने का? यह मतलब है कि आपका बच्चा जो कहीं पर संविदा पे नौकरी उसको मिल गई सरकारी सिस्टम में, और वो भी अगर 10-15 हजार रुपए कमा रहा है, बिकने के बाद उसके हाथ में 2-3 हजार रुपए आएंगे, उससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। सामान्य सी नौकरी में, सरकारी नौकरी में अगर चपरासी भी बन रहा है तो भी उसको 40-45 हजार रुपए मिलेंगे, मतलब इतना मिलेगा कि घर के बच्चों का भविष्य ठीक कर ले। ये बात सही है कि सबके घरों में अधिकारी नहीं बन जा रहे हैं लोग, लेकिन अगर मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं सरकारी सिस्टम के हिसाब से तो पैसा ज्यादा मिलेगा, और अगर गुलामी के सिस्टम के हिसाब से करेगा, निजीकरण के हिसाब से, तो स्थितियां जो थी वो स्थितियां फिर से दोबारा लौट करके आएंगी। इसलिए कोई अगर ये सोच रहा है कि हमारे घर में तो नौकरी है ही नहीं है, हमको आरक्षण से क्या लेना देना, हमको निजीकरण से क्या लेना देना, तो वो भूल कर रहा है। आपके किसी भी सिस्टम को चलाने में, समझिएगा, अगर कोई आपके फेवर का, आपकी सोच वाला, जो कमजोरों के प्रति, शोषितों के प्रति, वंचितों के प्रति अच्छी सोच रखता है, वैसी सरकार आ जाती है या वैसा डीएम या एसडीएम आ जाता है तो आपके भले के लिए काम कर जाएगा, लेकिन निजीकरण होने के बाद वो नहीं बन पाएगा। आप ये मत सोचिए कि आपके घर का बच्चा बन पाएगा कि नहीं, ये सोचिए कि जो लोग आपके लिए आज सिस्टम लेकर के उस सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, आप लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, उन लोगों पर भी चोट करने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों के पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाए। जो हमारे जैसे लोग यहां जा जा करके तमाम मंचों पर बोल रहे हैं, उनके पीछे भी तमाम सरकारी सिस्टम का बहुत रोल होता है। तमाम जगह गेस्ट हाउसेस फ्री मिल जाते हैं, कुछ लोग खाने का इंतजाम कर देते हैं,
सरकार ये चाहती है कि इस ये जो सपोर्ट सिस्टम है सरकारी तंत्र का, इस सपोर्ट सिस्टम को इस बहुजन समाज के संगठनों से खींच लिया जाए ताकि इनकी ताकत अधमरी हो जाए। और हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमें क्या लेना देना आरक्षण से, हमारे घर के बच्चे को नौकरी नहीं करनी, हम तो मजदूरी करवा रहे हैं। उस मजदूरी में भी सरकारी सिस्टम का बहुत रोल है। इसलिए ये अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि हम उनके मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय, ब्राह्मणवाद गलत है, मनुवाद गलत है, सामंतवाद गलत है, ये तो हम लोग कई सालों से रट रहे हैं और अब सबको समझ में आ गया कि भाई गलत है तो गलत है। तो अब हम इस दिशा में बात करें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप डेली सुबह महिलाएं जितनी हैं वो महिलाओं के साथ जब भी बैठती हैं मोहल्लों में, अगर अपने मुद्दों की चर्चा करेंगी, और एक अनुरोध ये है कि अपने बच्चों से, अपने बच्चों को पूजने के सिस्टम में नहीं ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पूजने का सिस्टम का मतलब केवल सूंड को पूजना नहीं होता है, गोबर को पूजना नहीं होता है। अगर आप बुद्ध को और बाबा साहब को पूज रही हैं तब भी तकलीफ है, वो भी पूजने का सिस्टम ही है। हम लोगों को अब समाज के बदलते क्रम में, एक समय था जिस समय केवल एससी समुदाय के लोग, उसमें भी एक खास जाति विशेष के लोग जय भीम किया करते थे, वो समय था। लेकिन आज हमारे जैसा पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति भी तो कह रहा है कि हम बाबा साहब की संतान है, तो बदलना पड़ेगा ना। तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, तमाम माइनॉरिटी वर्ग के लोग कह रहे हैं, महमूद प्राचा जैसे एडवोकेट भी कह रहे हैं, कल मेरे बड़े भाई प्रोफेसर रतनलाल जी आए थे यहां पर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, बहुत सारे आज एससी समाज के लोग कह रहे हैं कि हम अर्जक संघी हैं, आदान प्रदान हो रहा है। बहुत सारे लोग ज्योतिबा फूले को मानने वाले लोग हो गए हैं, बहुत सारे लोग साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग दलित होकर के कह रहे हैं कि हम जगदेव बाबू को मानते हैं, हम शिवदयाल चौरसिया जी को मानते हैं, हम संतराम बी ए प्रजापति को मानते हैं। तो अब अगर हमें समय के साथ अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, समय अगर परिवर्तित हुआ है तो बदलाव ये लाना चाहिए, लाइए उसको वो कर दूं, साइलेंट कर दूं। तो बदलते समय में, एक समय था जिस समय हम सबकी ये डिमांड होती थी कि हमारी डिमांड क्या है, कुछ नहीं साहब, हमारे महापुरुष के नाम की मूर्ति लगवा दो, हमारे महापुरुष के नाम पर इंटर कॉलेज का नाम रख दो, हमारे महापुरुष के नाम पर डिग्री कॉलेज का नाम रख दो। हम बड़े खुश हो जाते थे अगर किसी ने भाषण में हमारे महापुरुष का नाम ले लिया। लेकिन अब समय बदल गया है, ये बात मौजूदा तानाशाही सत्ताओं ने समझ ली है कि इन लोगों को पुजवाना बहुत आसान है, और वो समय समय पर ट्राई भी करता है। उसने कहा ताली थाली बजवाओ, देखो कितने बजाते हैं। तो उन बस्तियों में जो अब बस्तियां अपने आप को अंडर अंबेडकरवादी कहती थी, वहां भी दिया जलाया गया, बत्ती बुझाई गई और ताली थाली बजी। तो उनने कहा इसका मतलब कि ये रट्टू तोता है, इनके सामने, इनको चाहे बाबा साहब के सामने दीपक जलवाओ, चाहे बुद्ध के सामने दीपक जलवाओ, और चाहे हमारे कहने पे ताली थाली और दीपक जलवाओ, इनके लिए बराबर है। क्योंकि हमने क्या किया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं, रटवाया है, रट्टू तोता बनाया है। लेकिन हमने समझाया नहीं कि बाबा साहब और बुद्ध ने खुद कहा कि व्यक्तिवादी मत बनो, मेरी पूजा मत करो, मेरे विचारों से मानो, मैंने जो अपने जीवन में झेला है, त्याग किया है, उस त्याग को अपनाओ, मैंने जो बहुजन समाज बनाने के लिए काम किया है उस पर काम करो। इसलिए मैं कहता हूं कि समय बदल गया है। बाबा साहब की जयंती पर तय कर लीजिए कि मुख्य अतिथि धोबी ही बनेगा, तय कर लीजिए कि मुख्य अतिथि कोरी ही बनेगा, तय कर लीजिए कि मुख्य अतिथि खटीक ही बनेगा, परिवर्तन झकमार के आ जाएगा। मैं तमाम मंचों से ये बात कहता हूं, मेरे जो सॉल्यूशंस हैं ये सॉल्यूशंस बहुत छोटे छोटे हैं, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, बहुत ज़्यादा मंच लगाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन हैं। आपके घर में घुसे, सामने फोटो देखी कि संत गाडगे की है, आदमी इस बात में कंफ्यूज होना हो जाना चाहिए कि ये धोबी समाज का घर होगा, परिवर्तन आ जाएगा। आपके घर में घुसे, सामने सरदार पटेल की फोटो देखी और क्लियर हो गया ये पटेल समाज का घर है, ये चेंज कर दीजिए, परिवर्तन आ जाएगा। मतलब घर में फोटो लगाने से लेकर के अपने भाषण के संबोधनों में, अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में,
हम जाति के छोटे छोटे एंगल खत्म कर दें। जैसे मैं मंच पे आया और मैं 35 मिनट के भाषण में, मान लीजिए मेरे नाम के आगे तो टाइटल है, अगर टाइटल नहीं होता, मैं लिखता नीरज कबीर मान लीजिए, और मैं अपने भाषण में 30 में से 25 मिनट बोलता किस पे, संतराम बीए प्रजापति पे, तो आप क्या समझते मैं किस समाज का हूं? यही कंफ्यूजन पैदा करना है। अभी हो क्या रहा है, अभी हो यह रहा है जो पहले फेज के जागरूक हुए, जो गुलाम हैं, जो मूर्खता में पड़े हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बैठे हुए लोगों को मान रहा हूं कि आप एक फेज ऊपर उठ गए। तो जो एक फेज ऊपर उठ गए उन्होंने अपनी जाति का महापुरुष पकड़ा, जो एक फेज आगे निकले उसमें भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कम से कम कुछ तो जागरूक हुए हैं, लेकिन उस जागरूकता को 2 साल 3 साल 4 साल के बाद बदल दीजिए, जाति के महापुरुष को पकड़ लीजिए, कोई आपत्ति नहीं भाई, पहला इंजेक्शन उसी का लगाया जाता है कि चलो यार तुम जगदेव बाबू को देख के आओ तो कार्यक्रम में, चलो तुम सावित्री बाई फूले को देख कर आओ तो कार्यक्रम में, तुम्हें यार रामस्वरूप वर्मा चाहिए लो रामस्वरूप वर्मा ले लो, तुम्हें साहू जी महाराज चाहिए लो साहू जी महाराज ले लो। तो ये पहले फेज के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप 10 साल तक यही चला रहे हैं तो फिर आप ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले फेज तक ये ठीक है कि जाति का महापुरुष आपने देखा, लेकिन बदलते समय के साथ 3-4 साल में ये चेंज कर दो। जिस दिन कुशवाहा समाज का व्यक्ति कहेगा कि यार नीरज भाई कर्पूरी ठाकुर की जयंती मन से नहीं मना पाया, परिवर्तन आ जाएगा। जिस दिन कुर्मी समाज का व्यक्ति एकदम परेशान हो जाएगा कि यार जगदेव बाबू की जयंती नहीं मन रही श्रावस्ती में, यार क्या हो गया समाज को, उस दिन परिवर्तन आ जाएगा। मैं तमाम ग्रुपों में देखता हूं, तमाम ग्रुपों में अगर किसी महापुरुष की जयंती पर कोई पगलाया घूम रहा है, समझ जाता हूं इस जाति का होगा, और 99.999% सही निकलता है। तो जो सही वाली ये जो कंफ्यूजन वाली संख्या है इसको बढ़ा दीजिए, परिवर्तन आ जाएगा। कोई विशेष परिवर्तन की जरूरत नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन वो भाषण परिवर्तन कोई मतलब नहीं है, अपने में तो परिवर्तन करो, अपने घर में तो परिवर्तन करो, अपने घर की तस्वीरों में तो भी परिवर्तन करो, अपने बच्चों में अपनी पत्नियों में तो परिवर्तन करो। मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं क्योंकि पत्नी सामने बैठी है, बच्चा भी है कबीर, किसी को लगता है कि मैं एक भी शब्द लफाजी बोलता हूं लखनऊ में मेरे घर आ सकता है, क्योंकि उस घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है, तो चेक कर सकता है कि वर्जित है कि नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं बोलता हूं जो मैं अपने जीवन पर लागू ना कर पाऊं। महिलाओं से इसीलिए मेरा अनुरोध है कि पहले फेज की जागरूक हुई तो आपने गोबर पुजवाना बंद किया, आपने कहा यह गोबर है, पहले तो उसी फेज से हम बाहर निकल जाएं। समस्या यह है कि जिन लोगों के पति मंचों से भाषण ठोकते हैं उनकी पत्नियां मनुवाद की एजेंट बनी हैं। हम कहते हैं कि ये गोबर है, घर में उनको समझाया जाता है नहीं तो ये तो सूण है, माथा पटको इन पे, ये गणेश जी हैं, हम कह रहे हैं सूण है, वो कह रहे हैं गणेश जी हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। केवल महिलाओं पर आरोप नहीं लगा सकते, बुजुर्ग भी मनुवाद को ढो रहे हैं। किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, ट्राई मारना है। कोई अगर हमसे कहे क्या आप ठेका लिए हैं कि सबको बदल देंगे, बिल्कुल नहीं, मैं सबको नहीं बदल सकता, लेकिन ट्राई मारा जा सकता है। मैंने ट्राई मारा तो मेरी पत्नी बदल गई, हो सकता है नहीं बदलती तो मेरे ऊपर भी आरोप लगते, मैंने ट्राई मारा तो घरवाले भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि बेटे का नाम कबीर रख दो, इस बात के लिए तैयार हो गए कि जन्म से लेके अभी तक लाल धागा काला टीका हाय चाकू त्रिशूल कुछ भी उसको जरूरत नहीं पड़ी, और यह भी ध्यान रखिए उसको नजर भी नहीं लगती है, यह भी बड़ी ताजुब की बात है, तमाम बच्चों को नजर लग जाती है घर से बाहर निकलने में। तो आज तक कबीर को लगभग 3 साल का होने को है, 2.5 साल का है, आज तक उसको काजल नहीं लगाया, लेकिन ना कजरौटी ना नजरौटी ना हाय, लेकिन फिर भी नजर नहीं लगी, क्योंकि नजर वहम आपके अंदर का है। कल मैंने एक वीडियो बनाया महोबा के एक स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का, वहां 226 बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, इस वजह से कि उस विद्यालय में भूत रहता है, इस वजह से नहीं जा रहे हैं। जब पता किया मैंने कि ये भूत की बात कहां से आई, तो उस विद्यालय में एक नल है हैंडपंप, वो हैंडपंप अपने आप पानी देता है, और दूसरी बात कैसे आई कि उस विद्यालय का गेट है लोहे का, वो अपने आप खुल जाता है। यहां बैठा हुआ कोई शख्स बता दे कि उनके दरवाजे क्या हवा चलने से अपने आप नहीं खुलते हैं? कई बार ऐसा होता है खुल जाते हैं, और खास तौर से लोहे का गेट होगा तो वो तो अपने आप खुल ही जाएगा,
उल्टी बात कर रहे हैं वो लोग, जितनी वजन की चीज होती है उतना वो जल्दी हवा से खुल जाएगी अगर ढलान होगी तो। अब दूसरी पानी की बात, तो मैंने सिंचाई विभाग के एक एक्सियन को फोन लगाया, मैंने कहा पानी अपने आप कैसा निकल रहा है, फिर मैंने गूगल पर टाइप किया तो देश भर में कम से कम 150 जगह ऐसी हैं जहां पानी अपने आप निकलता है। जब ऊपर का वायु दाब यानी कि ऊपर के दबाव से नीचे का दबाव ज्यादा हो जाता है और उस हैंडपंप के पास जो पानी का स्रोत है ऊंचाई की जगह से आ रहा है, अपने आप पानी निकलेगा, इसमें कौन से करिश्मे की बात है। लेकिन हमारी परवरिश ही ऐसे की गई है, बचपन से महिलाएं सुन लीजिए अपने बच्चों को, मैंने बचपन से कबीर को यह नहीं बताया कि अंधेरे में झोली वाला बाबा आता है, अंधेरे में भूत रहता है, यह बचपन से बच्चों को समझाता कौन है, यह बताता कौन है कि चुड़ैल के लंबे बाल होते हैं पांव टेढ़े होते हैं, कौन बताता है, बच्चे को कैसे पता चला, किसी पाठ्य पुस्तक में तो लिखा नहीं होता है। ये कहानियां बताई जाती हैं झूठी बच्चे को डराने के लिए, और यही डर बड़ा होते होते पाखंड में तब्दील हो जाता है। इसलिए बच्चों गौर से सुन लीजिए, ना कोई भूत होता है, ना कोई प्रेत होता है, ना कोई जिन्न होता है। जब मेरी पत्नी घर में आई तो ये दमाम धागा आगा बांधती थी, इनके चाचा जी एक्सपायर हो गए थे तो ये था कि इनको चाचा जी दिखते हैं कभी कभी। अब पूछ लो कि इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं कि कभी दिखे हो, कहाँ चले गए। दरअसल जब आप अंधेरे में देखेंगे तो कुछ ना कुछ मन में जो आपका वहम होता है वैसी आकृति बन जाती है, और उस तरफ टॉर्च मार दीजिए आकृति खत्म हो जाती है। तो ये कैसा भूत है जो अंधेरे से डर जाता है, उजाले से डरता है, ये कैसा भूत है कि उस तरफ टॉर्च मारो तो भाग जाता है, तो वो तो हमसे भी डरपोक है। तो जो मनगढ़ंत कहानियां हम बच्चों को सुनाते हैं वही कहानियां परिवर्तित होते होते उनका आकार ले लेती है, और उनको लगता है कि हमको साड़ी पहने कोई औरत दिखी। भाई हम तो खुले मंचों से चुनौती देते हैं कि देश में कोई तांत्रिक हो यार, हमें तो बस में करके दिखाए जो हम उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और अगर कहा जाता है कि इस देश में ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, कहते हैं ना लोग, तो ये मान लीजिए कि जो मैं कह रहा हूं वो ईश्वर की मर्जी से कह रहा हूं। उसकी मर्जी है कि मैं लोगों को जाकर के ये बताऊं कि उसके और उसके भक्त के बीच में एक बिचौलिया है जो कमीशन खा रहा है। ये वो उसने कहा था हमसे सपने में कि ऐसा बताना है, सबको तो मैं बता रहा हूं। उसने कहा था कि बताना है कि इस बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसने कहा था कि ये बताना है कि इस बिचौलियों की जेब में एक रुपए भी अपनी मेहनत का खर्च नहीं करना है, गांठ बांध लीजिए। कम से कम इस कार्यक्रम से हम एक चीज सीख के जाएं कि आज के बाद किस पार्टी को वोट करेंगे, किस नेता को वोट करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन वोट हमारा बहुजन को और नोट हमारा बहुजन को, ये दो बातें यहां से तय करके जाएं कि किसी को भी देंगे मुद्दे हमारे होंगे और व्यक्ति हमारा, हमारा का मतलब जाति का नहीं, विचार का। मैं यहां पर जाति की वजह से नहीं खड़ा हूं, विचार की वजह से खड़ा हूं। जाति महासभा से हमेशा विचार की महासभा आगे होती है। मैंने रामेश्वर पवन जी से आज पूछा कि आपने पूरा जीवन समाज को दे दिया, कभी जाति महासभा के बड़े कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि बनाए गए, बनाए ही नहीं जा सकते। मैं पूरे जीवन काम कर लूं लेकिन जाति महासभा में मुख्य अतिथि बनाया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं रिटायर्ड आईएएस नहीं हूं। जाति महासभाएं तो रिटायर्ड आईएएस के लिए, रिटायर्ड आईपीएस के लिए, फलाने विधायक जी के लिए आरक्षित रहती हैं। 20 किलोमीटर दूर से रिसीव करवाया जाएगा और फिर वही जब काम नहीं करेगा तो रोना पीटना जाएगा। तो अगर बदलते दौर में, हमने कहा ना कि हम लोगों को चेंज होना पड़ेगा, तो हम लोगों को यह चेंज होना पड़ेगा कि अब अपनी डिमांड्स बदल दो। कह दो कि भैया मूर्ति नहीं चाहिए, कह दो कि माला नहीं चाहिए, स्कूल का नाम नहीं चाहिए, जिले का नाम नहीं चाहिए। कह दो कि भैया श्रावस्ती का नाम तुम्हें बदलना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। नौकरी हमें दे दो, हमारा हिस्सा हमें दे दो, भागीदारी दे दो। ये डिमांड्स हमें चेंज करनी पड़ेंगी, डिमांड्स को परिवर्तित कर दीजिए। नहीं चाहिए मूर्ति, लगा लो तुम्हें जिसकी लगानी हो। सोचिए अगर मूर्ति से भला हो रहा होता तो बाबा साहब की मूर्तियां ज्यादा हैं या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की? बाबा साहब की ज्यादा है, तो यानी कि मूर्तियों से तो सत्ता आती नहीं है, यानी कि मूर्तियों से तो ताकत आती नहीं है। हाँ, विचार जरूर बनता है, मूर्तियों का अपना रोल है, लेकिन देखिए अंतर समझिए। मेरे कहने का मतलब यह कभी नहीं होता है कि इसको खत्म कर दो, लेकिन बढ़ाओ मत। कोई भी चीज
मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि तमाम सारे लोग जो अच्छा अच्छा बोल के गए, तमाम सारी विचारधाराएं जो आपको अलग अलग बातें बताती हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। मैं ही नहीं हूं, मैं भी हूं। तो तमाम लोगों ने कुछ अच्छा बोला, उनमें से मैं भी कुछ अच्छा बोल रहा हूं। तो तमाम लोगों की अच्छी बातें ग्रहण करिए, तो मेरी भी कुछ ग्रहण कर लीजिए। जैसे मैं पूरी तरीके से कंप्लीट रूप से आस्थावान व्यक्ति नहीं हूं, मेरी किसी में आस्था नहीं है। ना मैं बुद्ध में आस्था रखता हूं, ना बाबा साहब में आस्था रखता हूं, ना सरदार पटेल में रखता हूं, ना रामस्वरूप वर्मा में रखता हूं, ना जगदेव बाबू में रखता हूं। मैं इनका अनुयायी हूं, मैं इनके विचारों के हिसाब से काम करता हूं। इन्होंने जो जिम्मेदारी दी मेरे ऊपर, उस जिम्मेदारी को 365 दिन निभाता हूं, एक आध दिन नहीं, 365 दिन। जब मैं पारिवारिक, मेरी जिम्मेदारी है भाई, मैं अगर ऐसा हूं तो मेरी पत्नी की तो कोई गलती नहीं है, तो मैं उस जिम्मेदारी को भी पूरी ढंग से निभाता हूं। मेरी मां का ट्रीटमेंट 2017 से चल रहा है, उस जिम्मेदारी को भी निभाता हूं। लेकिन अगर हम लोग कहीं घूमने गए हैं, उस बीच में भी सामाजिक जिम्मेदारी का ख्याल रखता हूं, घूमे वहीं एक मीटिंग रख ली। तो मैं तो 365 दिन बाबा साहब का काम कर रहा हूं। तो हमें अब यह बदलना पड़ेगा कि जिसने जितनी तेजी से जय भीम बोला वो उतना बड़ा अंबेडकरवादी, झुठला दो ये बात को। जो जितनी तेजी से नमो बुद्धाय बोला वो उतना बड़ा बौद्धिस्ट, झुठला दो इस बात को। अब ये तय करो कि तुम बुद्ध के मार्ग पर कितना चले हो। अब ये उससे सवाल करो कि तुम बाबा साहब के मार्ग पर कितना चले हो। अगर दोनों में अंतर समझिएगा, एक व्यक्ति मेरे घर पे आया, वो बाबा साहब, उसने मुझसे जय भीम नहीं किया, आया उसने कहा नीरज भाई नमस्कार और बैठ गया। ये सही घटनाएं बता रहा हूं सारी। उसने मुझसे डिस्कस किया कि नीरज भाई मैं चाहता हूं कि मैं टीचर हूं, मेरी पत्नी टीचर है, तो मैं 5 ऐसे बुजुर्गों को गोद लिया करूं एक समय में जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं। और एक दूसरा व्यक्ति मेरे घर पे आया, नीरज भाई नमो बुद्धाय जय भीम बड़े तेजी से करते हुए, और वो हाथ में लाल धागा बांधे हुए है, और वो कह रहा है, अंतर समझिएगा, ये भी सही है, मतलब कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, एक्चुअल बात बता रहा हूं। और उसने मुझसे कहा कि नीरज भाई ऐसा करते हैं, यहां जितने ओबीसी एससी के आईएएस पीसीएस ऑफिसर हैं उनकी मीटिंग कर लेते हैं, कौन अंबेडकरवादी है ज्यादा बड़ा बताइए, जय भीम का नारा तेजी से लगाने वाला या 5 वृद्धों की सेवा करने वाला। बदलना पड़ेगा हमको बदलते वक्त की दौर में, ये पैमाना हटा दो। मैं तो थोड़ा दूसरे टाइप का आदमी हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है। मैं अमूमन लोग करते क्या है, जैसे चलिए अच्छा रहा कि मुझे किसी ने नहीं कहा कि फूल चढ़ा दो बाबा साहब पर या ज्योतिबा फूले साहब पर। अगर कहते तो मैं निर्लज्ज टाइप का आदमी हूं मुद्दों के मामले में, मैं जूते पहन के चढ़ाता, जूते पहन के, क्यों, मैं आस्थावान आदमी नहीं हूं। अगर जूते पहनने से तुम्हारी आस्था पर ठेक लग रही है तो ये तो लिंग वालों के भी आस्था पर ठेक लग रही है, तो फिर फर्क क्या है तुम में और लिंग पूजने वालों में। जैसे वो लिंग पूज रहे हो तुम इनको पूज रहे हो। तो क्या मैं तभी अंबेडकरवादी कहलाऊंगा जब मैं तेजी से कहूं जय 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 भीम। तो तुम्हारे जय 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 भीम में और उनके जय जय श्री राम क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, ना उनने उनको समझा और ना तुमने इनको समझा। इसलिए संबोधन अपनी जगह है। एक और अनुरोध करता हूं तमाम लोगों से, सामने वाला कहे जय भीम उत्तर दीजिए जय भीम, सामने वाला बोले जय मूल निवासी कह दो जय मूल निवासी, जय फातिमा जय फातिमा, जय साहू जी जय साहू जी, जय जगदेव जय जगदेव। मतलब मैं केवल ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि एक तकलीफ कहां से शुरू हुई। तकलीफ इससे शुरू हुई कि भाई हम 24 कैरेट मार्का असली वाले हम हैं, बाकी सब दुकानें। हमने एक संगठन बनाया, उस संगठन का एक संबोधन रखा और हमने कहा कि भाई बिना जय मंडल किए बिना ओबीसी नहीं जुड़ेगा। तो दूसरा आया, उसने कहा जय रामस्वरूप वर्मा किए बिना ओबीसी नहीं जुड़ेगा, जय साहू जी किए बिना ओबीसी नहीं जुड़ेगा। और एससी समाज के संगठनों ने कहा कि अगर आप अपने भाषण के अंत में जय भीम नहीं बोलते हो तो एससी नहीं जुड़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एक विचारधारा ये तय करिए कि हम पाखंडी संबोधन नहीं करेंगे। जो जय मूल निवासी करेगा ओके, क्या दिक्कत है भाई, हम मूल निवासी तो हैं। कोई जय भीम करेगा ओके, हम भीम के वंशज ही तो हैं, क्या तकलीफ है। कोई जय फातिमा करेगा तो फातिमा हमारी ही तो थी, क्या दिक्कत है। बस इतना तय करिए कि तुम जो कहोगे हम वो कह देंगे,
तुम जो बैनर लगाओगे, सामाजिक कार्यक्रम की बात करोगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस एक चीज तय कर लीजिए कि हम नफरत वाला, दूसरे को चिढ़ाने वाला, नफरत फैलाने वाला जय जय श्री राम नहीं करेंगे। आरएसएस का हम उदाहरण देते हैं, आरएसएस के भी अनुसांगिक संगठन कम से कम 150-200 हैं, लेकिन जब उनको कमजोरों को सताना होता है, ओबीसी एससी को दबाना होता है, उनके खिलाफ नीतियां बनानी होती हैं, उनके खिलाफ एक जाति का वर्चस्व स्थापित करना होता है, ये हम लोग गलत कहते हैं कि वो आपस में नहीं लड़ते, खूब लड़ते हैं, खूब सिर फटाउअल होता है, लेकिन जब आपसे लड़ना होता है तो एक हो जाते हैं। वैसे ही आपस में खूब लड़ लो, सर फोड़ लो, लड़ लो, पिट लो, नाली का झगड़ा, खड़ंजे का झगड़ा खूब कर लो। ऐसा ऐसा समाज पॉसिबल ही नहीं है जिसमें झगड़े ना हो। मैं प्रैक्टिकल बात बोलता हूं, लफाजी वाली नहीं, कि ऐसा हो जाए तो, अब हो जाए तो भैया कोई कर ले तो हम नहीं जानते, लेकिन हम सिर्फ इतना अनुरोध कर रहे हैं कि आपसी झगड़े छोटे मोटे सबके बीच में होते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब वर्गीय चेतना की बात आ जाए, जब अपने मुद्दे की बात आ जाए, जब यह आ जाए कि सामने वाले से हक छीनना है, अधिकार छीनना है, सामने वाला सामंती है और सामने लड़ने वाला हमारा बहुजन समाज का है, उस समय एक हो जाओ। मैं इतना एक अनुरोध और कर लेता हूं इसके आगे, क्या मैं ये करता हूं प्रैक्टिकल, मैं खुद करता हूं, वही चीज बोल रहा हूं। मैं अगर अपने कानों से सुन लूं कि इन्होंने मेरी बुराई की कहीं पर, कि भाई साहब बैठे हुए हैं जो, अपने कानों से अगर मैं सुन लूं, इसके बावजूद इनके घर का कोई पर्सनल फंक्शन होगा, बेटे का बर्थडे मना, मैं बहाना बना दूंगा कि मैं नहीं आ पा रहा, लेकिन अगर ये कहेंगे जातिवार जनगणना पर कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जातिवार जनगणना का मुद्दा इनके घर का मुद्दा नहीं है। जातिवार जनगणना होने से, प्रमोशन में रिजर्वेशन होने से, आरक्षण की सीमा बढ़ने से इनके बेटे को लाभ नहीं मिलेगा, पूरे समाज को मिलेगा। यहां डिफरेंस करना पड़ेगा। आप खूब झगड़े कर लीजिए, लेकिन जहां समाज की बात आ जाए वहां सपोर्ट कर दीजिए। वैसे खूब लड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये छोटी छोटी चीजें तो लागू कर सकते हैं। तो बात अपनी खत्म करने से पहले वही अनुरोध फिर से रिपीट कर देता हूं कि अपने घर पे अगर इतने जागरूक हो गए हो कि जाति के महापुरुष की तस्वीर टांगे हो, तो 2-3 और टांग लो, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। और एक धारणा बना लो, एक नियम बना लो कि अगर हम शादी विवाह में जाएंगे, ये भी मैं करता हूं, जो करता हूं वही बोलता हूं, अगर हम शादी विवाह में जाएंगे तो बुके जैसा गिफ्ट नहीं देंगे, अगर हमें देना है तो हम या तो किसी की तस्वीर देंगे या संविधान देंगे, ये तय कर लीजिए दो चीजें। और तस्वीर देने में भी ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान रखिए कि जिस महापुरुष की तस्वीर दी जा रही है वो महापुरुष अगर आपकी जाति का, देने वाले की जाति का ना हो तो ज्यादा बेहतर है, इस बात का भी ध्यान रख लीजिए, उससे संदेश अच्छा जाएगा। भाई अपने बाप को तो बाप सब कहते हैं, दूसरे के बाप को बाप कहो तब बात बने। वही बात बनाने के लिए हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। तीसरा एक अनुरोध कर लेता हूं कि कोशिश ये करिए कि जब भी हम लोग जयंतियां मनाएं और अगर हम उसमें शामिल हैं तो जिस जाति का महापुरुष, उस जाति का मुख्य अतिथि कतई नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कर लीजिए। कहीं से ढूंढना पड़े, कोई बैठालना पड़े, लेकिन जाति के महापुरुष की जयंती पर जाति का मुख्य अतिथि एकदम खत्म कर दीजिए। क्योंकि मैं खुद 9 साल बहुत बड़ा जातिवादी रहा, सरदार पटेल जयंती का आयोजक रहा, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं सब सीख कर बोल रहा हूं। तो मैंने उन 9 सालों में क्या सीखा, पटेल जयंती मनाते हुए कुर्मी मंच पर बैठालता था, कुर्मी भाषण सुनने आते थे, कुर्मी लोगों को पुरस्कृत किया जाता था। उससे मैंने एक चीज समझी कि जब किसी भी एक जाति के लोग इकट्ठे हो करके नारा लगाते हैं, जाग जाओ कुर्मी वंश के लोगों, जाग जाओ यदु वंश के लोगों, जाग जाओ मौर्य वंशी क्षत्रियों, तो इसमें होता क्या है, आपस में तो सबको बड़ा फील गुड होता है कि भाई जाग रहे हैं, लेकिन वो चौरसिया जो पान का दुकान खोल करके इसी के घर के आगे बैठा है आपके हॉल के बाहर, वो बेटर जो पानी पिलाने के लिए बीच में अंदर आ रहा है, वो आपका भाई है, लेकिन वो कह रहा है कि जाग जाओ तुम, इलेक्शन के समय तुम्हारी जागरूकता हम बताएंगे। क्योंकि जब कोई संगठित होता है, समझिए धर्म जब तक इंडिविजुअल होता है तब तक वो किसी के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन धर्म जब संगठित हो जाता है तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगता है।
वैसे ही जब जाग जाओ वाली बात कोई कमजोर व्यक्ति सुनता है, हमसे ज्यादा कमजोर कम संख्या वाला, तो वो कहता है कि यार हमारे ऊपर हमला कर देंगे जाग जाए तो, ये गांव में हमारी हमें जीना मुश्किल कर देंगे अगर जाग गए ये तो वो आपसे नफरत करने लगता है वो जाग जाओ की वजह से। इसलिए अब एक और सवाल आता है, तमाम जाति महासभा के लोग मुझसे कहते हैं कि नीरज भाई आपने ये अपने जीवन में तय कर लिया है कि आप जाति महासभा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं मैं बिल्कुल जा सकता हूं किसी भी जाति महासभा के कार्यक्रम में, लेकिन रामस्वरूप वर्मा जी ने जो मुझे मार्ग दिखाया, जैसे रामस्वरूप वर्मा जी से जब जाति के लोग मिलने गए, उन्होंने कहा कि जाति महासभा का कार्यक्रम है आप आ जाइए, तो रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा मैं आ सकता हूं लेकिन कुर्मी महासभा में दो प्रस्ताव पारित करवाओ, एक तो जितने लोग कार्यक्रम में आएंगे उनमें किसी भी व्यक्ति के घर में कोई कर्मकांड आज के बाद नहीं होगा, ये प्रस्ताव पारित करवाओ तो मैं कार्यक्रम में आ जाऊंगा। दूसरा प्रस्ताव, जितने भी लोग वहां आएंगे उनके घर पर गिद्ध भोज, जिसको मृत्यु भोज आप लोग कहते हो तेरहवीं, वो गिद्ध भोज नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगा, दो प्रस्ताव पास करवा दो मैं आ जाऊंगा। तो चूंकि मैं उनका अनुयायी हूं, मैंने उनसे सीखा है, तो मैं भी कह रहा हूं जिस दिन कुर्मी महासभा के लोग 35-40 साल से काम करने वाले वर्कर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेंगे, जिस दिन किसी वकील को 20 किलोमीटर दूर से रिसीव करवाना शुरू कर देंगे, जिस दिन किसी पत्रकार को मुखतिथि बनाना शुरू कर देंगे, जिस दिन कुर्मी महासभा के मंच पर यह बात होने लगेगी कि हम लेटरल एंट्री के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम एनएफएस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम समाज में वर्गभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, कर्मकांड के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उस दिन मैं तुम्हारे मंच पर आ जाऊंगा। तो अब आज का ये भाषण में पहली बार ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि बरेली के मंच पर जब मैंने ज्यादा इंजेक्शन दे दिया हाई डोज का, तो जाति महासभा के लोग फड़फड़ाने लगे कि नीरज भाई हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर प्रजापति महासभा का कोई व्यक्ति प्रजापति समाज के लिए कापी किताबों की व्यवस्था कर रहा है, बस्ते की व्यवस्था कर रहा है, उस समाज के व्यक्ति को विदेश भेजने की व्यवस्था कर रहा है, उसके उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके जातिवाद में। लेकिन जिसको जातिवाद आप कहते हो, दरअसल वो स्वार्थवाद है। महासभाएं जब बनती हैं तो वो अपने ही जाति के कमजोर लोगों को बस्ता नहीं खरीदवाती हैं, पेंसिल नहीं खरीदवाती हैं, उनके थाने कचहरी में मुद्दे नहीं लड़वाती हैं, उनके गरीब लोगों को अस्पताल में एडमिट नहीं करवाती हैं। जाति महासभा बना करके होता क्या है? मैं अपनी जाति के 4 विधायकों और 5 आईएसओं को जानता हूं और उनके साथ फोटो खिंचवाता हूं, मेरी जाति की समाज सेवा पूरी। जितने भी जाति महासभाओं के मैं बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी देखता हूं, उनका एजेंडा सिर्फ एक है, अपनी जाति के नेताओं और अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाना और सोशल मीडिया पर डालना। अगर गलत बोल रहा हूं तो बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके जातिवाद से, लेकिन जातिवाद करो तो। जातिवाद वो होता है जो EWS के मामले में उन सवर्ण जजों ने किया, अपने जाति वर्ग वंश को बचाने के लिए संविधान के पलट फैसला दे दिया, ये है जातिवाद। तुम खाक जातिवाद करते हो, तुम तो स्वार्थवाद करते हो, विधायकों के सांसदों के चरणों में पड़े रहते हो, यह है तुम्हारा जातिवाद। जितनी जाति महासभाएं हैं वो तोप समझती हैं कि हमारे यहां कोई विधायक सांसद आ गया, बहुत तुरनम खां आ गया। जातिवाद करो, कोई दिक्कत नहीं है, जाति के कमजोर लोगों को आगे बढ़ाओ, मुझे आपके जातिवाद से कोई दिक्कत नहीं, आज क्लियर कर दिया मैंने। इस टाइप वाला जातिवाद करो, मैं आपके मंचों पर आने को तैयार हूं। मैंने तो आज तक नहीं सुना, जो कम संख्या वाली जातियां हैं वो भले ही करती हूं, लेकिन कुर्मी, यादव, कुशवाहा और चमार, इन 4 जाति के जब जातिवाद किया तब मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी अन्य कमजोर को बचाने के लिए किया। मुझे तो वहां वही सिस्टम दिखता है, हमारी सत्ता आ जाए, हमारे लोग मंत्री बन जाए, हमारे लोग मुख्यमंत्री बन जाए। कुर्मी का जातिवाद मैं मान जाऊंगा, अगर कुर्मी का जातिवाद तब जातिवाद है जब तुम्हारे सामने कोई सामंती किसी विश्वकर्मा को परेशान कर रहा हो, तुम खड़े हो जाओ कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई मेरे भाई को छूने की, मैं मान जाऊंगा कि तुम सही से जातिवाद कर रहे हो, और तब मैं मान जाऊंगा कि तुम सही में छत्री हो, बुद्ध वाले छत्री। भाई तमाम लोग मुझसे अब कहने लगे हैं कि मैं तथागत बुद्ध वाला खत्ती हूं। नीरज भाई आप छत्री शब्द का विरोध कर देते हो,
हम वो छत्रित्व वाले छत्री नहीं है, हम बुद्ध वाले जो खत्ती शब्द है वो वाले छत्री हैं। अगर तुम वो वाले हो तो छत्र वो वाले छत्री का मतलब था कमजोरों की रक्षा करने वाला, कमजोरों के जीवन का पालन पोषण करने वाला। तुम्हारे घर में ज्यादा अनाज है तो कमजोरों को अनाज देने वाला, वो वाले खत्ती बन जाओ, हमें तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं छत्री लगाने से। लेकिन तुम कौन से वाले छत्री हो? तुम ये वाले छत्री हो कि जब तथाकथित उच्च जातियों से तुम्हारी लड़ाई होती है तो तुम फुस से बोल जाते हो, और जब नीचे वालों से लड़ जाते हो तो तुम लंबरदार बन जाते हो। ये वाले छत्री हो तुम तो मुझे इस वाले छत्र से तकलीफ है। और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का एक ही मेरे अंदर, मेरे मन में एक ही तरीका है कि जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने लोग सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, वो हर व्यक्ति ये कहना बंद कर दे अपने संबोधनों में हम लोग छोटी छोटी चीजें जैसे मुहावरे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये मुहावरा कहना बंद कर दो। फलाने कलर की साड़ी फलाने जाति की है, फलाने कलर के जूते फलाने जाति के हैं, क्या फलाने जैसा मुंह बना रखा है। अभी मैं एक दोस्त के यहाँ गया, उसके अंतरजाति विवाह हुआ है, दोस्त मौर्या है, पत्नी ऐसी है, उसकी ऐसी पत्नी कह रही है कि क्या फलाने जैसा मुंह बनाया हुआ है, ये जागरूकता का आलम है। और गलती किसकी है? ब्राह्मणवाद की, मनुवाद की, आरएसएस की, बीजेपी की। उस सिस्टम तक लड़ने तक बाद में पहुंचोगे, पहले घर के मुहावरे तो ठीक कर लो, घर के संबोधन तो ठीक कर लो। एक कुशवाहा जी बरेली में मेरे साथ कार्यक्रम में बगल में बैठे थे, दिल्ली पहुंचे तो मुझसे बोले, मेरे बड़े भाई आपके बहुत जबरदस्त फैन है नीरज जी, 2 मिनट राम राम कर लीजिए। और हमसे बता के गए थे कि हम 20 साल से बहुत जागरूक हैं और 20 साल से मिशन का काम कर रहे हैं और राम राम करवा रहे हैं बड़े भाई से। तो ये सब कॉन्शियस माइंड में, मैंने बड़े बड़े जागरूक देखे जो कांसीराम साहब की पुण्यतिथि मनाते हैं, बड़े बड़े जागरूक। तो पुण्यतिथि होती है तो पाप तिथि भी होती है क्या? बड़े बड़े जागरूक बता रहा हूं, पुण्यतिथि मनाने वाले बड़े बड़े जागरूक बता रहा हूं जिनके पिताजी स्वर्गीय हो जाते हैं, बड़े बड़े जागरूक। तो तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में गए तो नरक में किसके गए? मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि भाई कोई भला मानुष था तो वो स्वर्ग में चला गया आपके अनुसार। मैं तो स्वर्ग नरक में भरोसा नहीं करता, लेकिन चलो आपका पिता भला था, आपका पूर्वज भला था, वो स्वर्ग में चला गया। जो व्यक्ति 4 मर्डर किए होगा, 3 रेप किए होगा, जब वो मर जाएगा तो उसके कार्ड में क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा बताइए? स्वर्गीय, वो भी स्वर्गीय है। तो फिर हमारा पूर्वज स्वर्गीय नहीं है, हमारा पूर्वज स्मृति शेष है, यशकाई है, बोधिसत्व है, परिनिर्माण दिवस उसका मना रहे हैं या स्मृति दिवस मना रहे हैं। शब्दावली भी बदलनी पड़ेगी, हम बदलते तो हैं। अच्छा, ये नहीं कहने आया कि एक दिन में बदल जाओ। मैं एक दिन में बदला क्या? मैं तो घोर पाखंडी घर से हूं, मैं भी खूब सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूं, एक दिन में थोड़ी बदला, लेकिन समय के हिसाब से जल्दी बदल गया। लोगों को जो बात बाद में समझ में आती है, मुझे थोड़ी सी जल्दी समझ में आ गई। वो लोग जो बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे पिताजी तो बौद्धिस्ट थे, मेरे पिताजी तो अंबेडकरवादी थे, मैंने तो बचपन से घर में ये देखा, तो उन लोगों से मैं ज्यादा ठीक ठाक बदला हूं कि मैंने तो अपने घर में ये नहीं देखा। मेरे पिताजी ने तो कभी नहीं कहा कि बाबा साहब हमारे थे, मेरे तो पूर्वजों ने कभी नहीं बताया कि ये बुद्ध हमारे थे। इसका मतलब हमारे बदलने की दिशा ठीक है। तो हम लोग छोटे छोटे मुहावरों में, छोटे छोटे वाक्यों में, शब्दों में एक दूसरे की तारीफ। हाँ, एक और चीज, जब तारीफ करेंगे, फलाना व्यक्ति तो ऐसे बर्ताव करता है, ये हमारे समाज का ब्राह्मण है, मतलब तुम खुद मान रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति योग्य हुआ तो वह ब्राह्मण ही होगा। अगर कोई आपके परिवार में, आपके समाज में शारीरिक रूप से सक्षम हो गया तो आप कहेंगे कि ऐसे चलता है जैसे ठाकुर हो, खुद कहते हैं आप लोग। ये कहना बदलो ना, अगर कहने ही है तो बिल्कुल उल्टा कर दो। जब कोई रंगबाजी से चल रहा हो तो कह दो ऐसे चल रहा है जैसे बाबा साहब के घर का लड़का हो, बदल दो ना। जब कोई बिल्कुल बुद्धता की बात कर दे तो कह दो कि ऐसे चल रहा है जैसे सावित्रीबाई फूले ने इसी को पढ़ाया हो, बदलनी पड़ेगी ना चीजें। हम उन्हीं की चीजों को ढोते हैं, ओढ़ते बिछाते हैं। अब इस मंच पर मैं 1.5 घंटे बीजेपी को गाली देता तो मजा तो बहुत आ जाता, लेकिन परिवर्तन क्या होता उससे? तो 2 तरीके होते हैं बोलने के, या तो लोगों को मन लुभावन बोलने के लिए आप बीजेपी, आरएसएस, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को गाली दीजिए, और या हम अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन कर लें।
दोनों से अंतर समझ में आ जाएगा। एक दो मिनट का समय है ना, केवल एक कहानी सुनाऊंगा और बात अपनी खत्म कर दूंगा कि हमारे जो संत गाडगे साहब थे उनके पास एक बकरी थी, तो जहां वो अपना रहते थे जिस झोपड़ी में, वहीं बकरी बंधी रहती थी गाडगे साहब की। उसके सामने एक मंदिर था, एक मस्जिद थी, तो कभी कभी बकरी मंदिर में घुस जाती थी, कभी कभी मस्जिद में घुस जाती थी। तो मस्जिद से एक मुस्लिम निकल करके आया कभी मौलवी, और मंदिर से निकल करके आया कौन, कुछ लोगों ने पंडित भी कहा, पंडा पुजारी निकल करके आया, पंडित है ब्राह्मण। तो जब आप लोगों ने उसको ब्राह्मण कह दिया है, तो यही तो मैं भी कहता हूं कि वो धर्म हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। आप ही लोगों ने समझाया मुझे, ये तो आप ही लोगों ने बताया हमको। एक तरफ से जब निकलता है तो मौलवी और मुस्लिम निकलता है, दूसरी तरफ से ब्राह्मण निकलता है, तो इसका मतलब कि वो धर्म हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों की सुख सुविधाओं के ख्याल के लिए बनाया गया है। तो चलिए खैर, निकला बाहर, तो उसने कहा गाडगे बाबा ये अपनी बकरी संभाल के रखो, कभी हमारे मंदिर में घुस जाती है, कभी मस्जिद में घुस जाती है। तो गाडगे बाबा बोले जानवर है इसलिए घुस जाती है, मैं कभी घुसा हूं तो बताओ। तो जिन पूर्वजों को हम रखे हुए हैं घरों में, हमसे कुछ ना सीखो, उन पूर्वजों से ही सीख लो। वो सब कुछ बता के गए हैं कि पाखंड में नहीं पढ़ना है, अंधविश्वास में नहीं पढ़ना है। और एक बात और कह रहा हूं, मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूं, अगर गाड़ी खरीदते ही कोई ब्राह्मण ये गारंटी ले रहा है, कोई पुजारी कोई पुरोहित ये गारंटी ले रहा है कि 501 रुपए का पूजन मुझसे करवाओगे और एक हफ्ते तक मैं गारंटी लूंगा कि गाड़ी अगर कहीं ठुक जाएगी तो मैं इंश्योरेंस दूंगा, तो 501 रुपए में नहीं 1000 रुपए में करा लो, कोई मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन पूजन कराने के बाद 5 मिनट की भी गारंटी नहीं है, आप पूजन करा के निकले गाड़ी ठुक गई, पुजारी की गारंटी खत्म। तो फिर या तो इंश्योरेंस, या तो गाड़ी का इंश्योरेंस ना कराना पड़े, साल में 20-25 हजार रुपए खर्च ना करने पड़े, और या वो जो गाड़ी में सूंड रखे रहते हो, या तो सूंड से काम बन रहा हो या इंश्योरेंस से बन रहा हो। तो अगर सूंड रखने के बावजूद इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, पूजन करवाने के बावजूद इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, तो उसी को हटा दो। मैं तो स्वार्थी आदमी हूं, अगर कोई गारंटी ले ले कि भैया सूंड रख लो अपनी गाड़ी में और इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा, तो मैं अपने 20-25 हजार रुपए बचाने के लिए रख लूंगा, लेकिन आज तक कोई मिला नहीं ऐसा। अगर जैसे मेरी शादी होनी थी, इनके पिताजी मेरे घर पे आए, बोले कि नीरज भाई हम लोग तो आपके विचारों से सहमत हैं लेकिन दादी नहीं मान रही, और हम आपके विचारों से सहमत हुए, जो पत्री हमने दिखवाई है वो ब्राह्मण को नहीं दिखवाई, अपने ही समाज के एक हैं उनको दिखवा ली, अपने ही समाज के, ये नव ब्राह्मणवाद है ये, कि तुम्हारा गु है गाय का गु और हमारा गु वो है गोवर्धन, तो मतलब हम खाएंगे लेकिन अपनी गाय का खाएंगे, तुम्हारी वाली का नहीं खाएंगे, ये नव ब्राह्मणवाद है। तो बोले कि हम अपने जाति वाले को दिखा के आए हैं पत्री, तो हमने कहा जिसको दिखा के आए हो उससे एक बात कहलवा लो। पिताजी बैठे थे हमारे, इनके फादर सब लोग बैठे हुए थे, हमने कहा अगर वो स्टाम्प पत्र पे लिख के दे दें 100 रुपए की कि मेरी बताई हुई डेट में शादी करवाई जाएगी, तो शादी जीवन भर सफल होगी, और अगर शादी असफल होती है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी होऊंगा, साइन करवा लेना नीचे, मैं शादी कर लूंगा। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, तो हमने कहा पिताजी बैठे हुए हमसे लिखवा लो 500 रुपए के स्टाम्प पे कि मेरी बताई हुई डेट पे शादी करवाओगे तो जीवन भर बेटी सुखी रहेगी। तो बोले बेटा हमें तो सुखी रखना है, तो हमने कहा कर लो हमारी डेट पे। तो ये इनको इसीलिए लेके आया हूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि झूठ नहीं बोल रहा हूं, गवाह के तौर पे लेके आया हूं। तो फिर हुआ कि भाई कौन सी डेट में करनी है, कैलेंडर उठाइए, सेकंड सैटरडे संडे टिक मारिए, जिस डेट में किसी की नहीं हो रही होगी उसी में करेंगे, सब हमारे यहां आ जाएंगे और चीजें सस्ती भी मिल जाएंगी। और ये भी फिर रहा कि भाई जब जीवन पे बोले कि अरे वो कह रहे थे कि आप घोड़ी पे नहीं बैठोगे, मैंने कहा घोड़ा मुझे गिफ्ट कर दो तो मैं घोड़ी पे बैठूंगा, जीवन भर जब गाड़ी से चलना है वही गाड़ी मेरे पास है, वही मेरी औकात है, तो उसी से आऊंगा।
या तो घोड़ी गिफ्ट कर दो जीवन भर, उससे चलना हो तो उसी पे एक दिन चल के आ जाऊंगा, एक दिन का राजा बनने से क्या फायदा, या तो उसी पे चलवा दो जीवन भर। तो इस पे भी स्वीकृति बनी, फिर दिक्कत हुई, मैंने कहा दिन में करूंगा रात में नहीं करूंगा। होते होते बहरहाल मैं सिर्फ ये घटना इसलिए बताना चाह रहा था कि मैं किसी को बदल नहीं पाया, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि मेरे विचारों के आगे सबने सरेंडर कर दिया और अर्जक पद्धति से मेरी शादी हुई। जिले में पहली शादी हुई जो अर्जक पद्धति से हुई। मैंने अपने कार्ड में सूंड हटवा के बाबा साहब लगवा दिए। अब पिताजी को तकलीफ, बोले कि गांव में जाते हैं लोग कहते हैं कि नीरज के बब्बा लगे हैं क्या जी, ये और तकलीफ। तो हमने उनसे कहा कि अपने घोड़े पर दाव लगाना सीखो, सामने वाले की आवाज़ बंद हो जाएगी। मान लो आपके घर में किसी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली और आप चौड़े होकर निकलिए, कोई कहे कि भाई साहब कुछ सुना है हमने, कह दो हाँ वो बेटी हमारी चाह रही थी कि उधर शादी हो जाए। हम सब ने कहा भाई घर अच्छा है शादी कर देते हैं, सामने वाले की हैसियत नहीं कि मुंह से जवान निकल जाए। लेकिन जैसे ही आपने कहा अब का बताएं भैया, वैसे ही वो तो चढ़े तेल पानी लेके चढ़ने के लिए तैयार ही बैठे हैं। आजकल के बच्चे हाथ में नहीं रह गए, अब तो सब धर्म भ्रष्ट हो गया, संस्कृति भ्रष्ट हो गई। तो हमने पिताजी से कहा कि जिन लोगों को आप कार्ड दे के आए हो, जिन लोगों ने कहा कि नीरज के बब्बा हैं क्या, हमारे साथ चलो। हमारे साथ गए, अगले एक्चुअल घटना है सारी है। हमारे साथ गए, हमने कहा, इनने कहा हाथ पकड़े, बोले तुम यार झगड़ने मत लगना। हमने कहा चलो, तो क्योंकि उनको हमसे काम पड़ना है, हम अब मजबूत हो चुके हैं अपने विचारों में। हमारे पास जो भी है, जो भी हमारी रोजी रोटी धंधा पानी है, वो यही विचार है। मेरी जो भी इज्जत सम्मान मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ सिर्फ यही विचार है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब मैं उनके पास पहुंचा नजदीक, नीरज भैया आपकी सोच ही अलग है, क्या गजब का कार्ड बनवाया है आपने। हमने पिताजी से कहा यही कल कह रहे थे। मैं सिर्फ ये कहने आ रहा हूं कि जो काम आप करो पूरी शिद्दत के साथ करो और पूरे दृढ़ता के साथ करो, कंफ्यूज मत हो, सरेंडर मत मारो, एक समय बाद यह परिपाटी परंपरा बन जाएगी। मैं किसी मृत्यु भोज में जाता हूं तो यह परंपरा बन चुकी है कि नीरज भाई को मत पूछना वो नहीं खाते। मेरे इर्द गिर्द कहीं हवन पूजन कथा भागवत हो रही हो, हिम्मत नहीं होती है मुझे कार्ड देने की। उनको कार्ड नहीं देना यार, वो भोग सुनाएंगे दुनिया भर का, आएंगे भी नहीं। आप अपने विचार में तय रहिए, समाज आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। ये लोगों के मन की गलतफहमी है कि हम ऐसे हो जाएंगे तो समाज हमको बाहर कर देगा, ऐसे हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे। आप जैसे होते हैं उसी तरह के लोग आपके संपर्क में आते हैं और वही लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत और प्रयास भी करते हैं। बहुत समय ले लिया आप लोगों का, अंतिम शब्द यही कहूंगा कि किसी की तरफ भी उंगली करने से पहले अपनी तरफ उंगली करो और खुद से सवाल करो कि इस बदलते वक्त में हम खुद को कितना बदल पाए हैं, इस बदलते वक्त में, इस बदलाव की मुहिम में हम कितने भागीदार बने हैं, हम कितना साथ चलने को तैयार हैं। मेरी पत्नी अगर मेरे विचारों की नहीं होती तो ये चैलेंज देकर के कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं इतना काम नहीं कर पाता। पत्नी चूंकि मेरे विचारों की है, कभी कभी घर में जब बहुत समय ऐसा आ जाता है कि वीडियो बहुत नहीं चलते हैं कार्यक्रमों में घूमने की वजह से, अगर मेरी पत्नी ये कहने वाली हो कि आपने ये सामाजिक ठेका लिया है हम क्यों सफर करें, तो मैं दो दिन मेरी बत्ती बुझी रहेगी, मन से शब्द नहीं निकलेंगे। लेकिन जब मैं हम लोग परेशान होते हैं तो रात में मुझसे कहा जाता है कि जितनी तस्वीरें लगाए हो बैठक में वो सब जीवन भर संघर्ष किए हैं ना, तो आप भी कर रहे हो, क्या दिक्कत है। इसलिए इस जोड़ी का एक दूसरे को आगे बढ़ाने में बहुत साथ है। पहले साल जब घर पे आई इन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा। मैं ब्राह्मणवादी सिस्टम में भरोसा नहीं रखता, इसलिए किसी को दबाता नहीं हूं। मैं प्रेशर से कोई बात नहीं मनवाना चाहता, अगर ये अभी तक रहती तब भी मैं प्रेशर नहीं डालता, मैं केवल अपनी बात आग्रह पूर्वक कहता हूं। अगले ही साल इन्होंने कहा कि बताओ आप करवा चौथ के बारे में मन से क्यों नहीं बोलते हो। मैंने किस मुंह से बोलूं, तो कहने लगी इस साल से बोल लेना, नहीं रहूंगी। रहना बंद कर दिया, मैं करवा चौथ के बारे में बोलने लगा। और मैं क्या बोलने लगा, यहां तमाम लोग ऐसे होंगे भाई, एक साल में डाटा रिचार्ज करना पड़ता है एक साल जीवन चलने के लिए, तो डाटा रिचार्ज हमारा 3 साल से नहीं हुआ, हम 3 साल से चल रहे हैं। यहां बैठे हुए तमाम साल लोग होंगे जिनका रिचार्ज 25-30 साल से नहीं हुआ होगा, फिर भी चल रहे हैं। सब कुछ आपके इर्द गिर्द है, इसके बावजूद हम इतनी जकड़न में हैं, ऐसा ना हो कि ऐसा बोले तो दीवार ना गिर जाए, पंखा ना गिर जाए।
भाई अगर हम ईश्वर के खिलाफ बोल रहे होते, उनकी मर्जी के खिलाफ बोल रहे होते तो पंखा गिर जाता ना मेरे ऊपर। इसका मतलब कि उनकी मर्जी से बोल रहा हूँ, उन्हीं की मर्जी से पटना में बोला, यहाँ बोला, बनारस में, नागपुर में बोला, और घूम फिर करके फिर घर आ जाता हूँ। तो यही अनुरोध कर रहा हूँ कि मन से भ्रम निकालिए। खास तौर से आप लोग नहीं निकल पा रहे, कोई बात नहीं, आपकी उम्र हो गई है, आप बचपन से वही संस्कार झेलते झेलते यहाँ तक पहुँचे, बच्चों के मन से निकाल दीजिए। बच्चों को तर्क, विज्ञान, स्कूल, संविधान, इन्हीं की शिक्षा दे दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।